नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U News। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेशनल चैंपियनशिप में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को वार्ड नंबर 31 मोदी नगर के सभासद के भावी प्रत्याशी लाला मुनीश कंसल ने सम्मानित किया। गत माह दिल्ली में आयोजित सुपर गोल्ड नेशनल कराटे चैंपियनशिप एवं इंडो नेपाल ट्रायल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अमोघ मार्शल ट्रेनिंग अकेडमी व शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों व उनके कोच का बसपा नेता डॉक्टर पूनम गर्ग वार्ड नंबर 31 से सभासद पद के भावी उम्मीदवार लाला मुनीश कंसल व हिंदुवादी नेता पंकज कंसल ने उनके घर जाकर फूल माला व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। विदित है कि अमोघ मार्शल आर्ट एकेडमी के 3 खिलाड़ियों कृष्णा माहेश्वरी, कृष्ण सिंघल व नव्या तोमर ने नेशनल इंटरनेशनल ट्रायल चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर गोल्ड मेडल प्राप्त, आगामी माह नेपाल में होने वाले एशिया गेम्स के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर शहर मोदी नगर व अपनी एकेडमी का नाम रोशन किया, जिसके लिए आज सभासद प्रत्याशी मुनीश कंसल के तत्वावधान में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम गर्ग ने विजेता खिलाड़ियों एवं एकेडमी के संचालक मास्टर मुकेश सिद्धार्थ का फूलमालाओं से स्वागत कर देश के लिए मेडल लाने के लिए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर ब्रिजमोहन माहेश्वरी, लोकेश माहेश्वरी, मोनू धामा, सुभाष, मनोज बाबूराम सहित सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने खिलाड़ियों व उनके कोच का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्यार और दुलार, कोच साहब को मेरा नमस्कार। जो बच्चे ने ये जो काम किया इतनी छोटी सी उम्र में, जो इतना बड़ा गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लाना, एक बहुत बड़ी बात है। और पढ़ाई के साथ साथ तो ये इसके लिए मतलब हम भगवान से कामना करते हैं इसके उज्जवल भविष्य की, कि ये और आगे तरक्की करे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और अभी तो इसने नेशनल खेला, अभी बेटा तुझे इंटरनेशनल भी खेलना है, गोल्ड भी लाना है, मेडल भी जीतने हैं। फरवरी में जाना मैम। अच्छा, वेरी गुड, नेपाल जाना फरवरी। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोच साहब से भी हमारा अनुरोध है कि इसी तरह से बच्चों को प्रतिभा बच्चों की निखारते रहे, उनको हीरे की तरह तराशते रहे। और अगर मान लिया किसी चीज की संसाधन की बच्चों को कोई कमी है तो हमें बताएं, हम लोग उसको पूरी करेंगे। क्या नाम है आपका? मुनीश जी, आपने आज जो कार्यक्रम किया है बच्चों सम्मान करने, किस उपलक्ष्य में किया है? बच्चों की जो मनोकामना बढ़ाने के लिए कार्य किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेंसी मुकेश सिद्धार्थ है। अच्छा, ये जो आज प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे बच्चों का स्वागत हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है? ये अमोघ मार्शल आर्ट अकेडमी के तीनों होनहार बच्चे हैं, और अभी पिछले दिनों दिल्ली में नेशनल गेम्स के नाम से एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें इन बच्चों ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त कर हमारी एकेडमी और क्षेत्र मोदी नगर का नाम रोशन किया है। तो आज इनको घर पे पहुंचने के बाद इनका स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरी इन बच्चों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये दोनों बच्चे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडो नेपाल जो अभी चैंपियनशिप होनी है, तो उसमें इन दोनों बच्चों ने टेस्ट पास किया है। कृष्णा पैर के चोट की वजह से उसमें नहीं जा पाया, लेकिन सिलेक्शन इसका भी है। तो ये तीनों बच्चे अभी फरवरी में जो नेपाल में इंडो नेपाल चैंपियनशिप होने वाली है एशियन गेम के नाम से, उस चैंपियनशिप में ये तीनों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर से अमोघ मार्शल आर्ट अकेडमी और शहर मोदी नगर और यहाँ की पूरी जनता और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी इन बच्चों के साथ शुभकामनाएं हैं। और ये जो कार्यक्रम का आज आयोजन किया है हमारे जो भावी सभासद प्रत्याशी हैं भाई कंसल जी के तत्वाधान में हुआ है। डॉक्टर पूनम गर्ग जी जो हमारे यहाँ की चेयरमैन प्रत्याशी हैं, उन्होंने आके बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हमारे मोनू धामा जी हैं और सभी लोगों का जो सहयोग है, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का बार बार धन्यवाद हम अमोघ मार्शल आर्ट की तरफ से करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।